नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल SMITI जोन में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को गीजर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि गीजर क्या होता है। जल को गर्म करने के लिए जिस वैद्युतिकी उपकरण का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं गीजर। यह क्या होता है, छोटे आकार का होता है और इसे हम लोग क्या करते हैं, सीधे पानी के पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। एक क्या होता है कि एक साइड ठंडा पानी आता है और दूसरे तरफ से हमको क्या होता है, गर्म पानी प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम इसके कंस्ट्रक्शन को जान लें कि आखिर इसका बनावट कैसा होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम दो बेलनाकार बर्तन लेते हैं। देख रहे होंगे कि एक ये है बर्तन, एक दूसरा ये बर्तन है। इसमें हम दो बेलनाकार बर्तन लेते हैं। ये देख रहे हैं, एक ये वाला है, एक ये बेलनाकार बर्तन है। देख रहे हैं ये एक बेलनाकार बर्तन है और दूसरा देखिए ये बेलनाकार बर्तन। हम लोग इसमें दो बेलनाकार बर्तन लेते हैं और दोनों बेलनाकार बर्तन जो है माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, माइल्ड स्टील शीट से बना होता है। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, ये जो दो बेलनाकार जो ये बाहर वाला जो देख रहे हैं बेलनाकार बर्तन, इसको हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट सफेद रंग से पेंट कर देते हैं। और जो ये अंदर वाला बेलनाकार बर्तन देख रहे हैं ये तांबे का बना होता है और इसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, टीन का लेप चढ़ा देते, यानी टीन का लेप चढ़ा हुआ होता है। क्यों? कि तांबे को कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग इस पे टीन का लेप चढ़ाते हैं अंदर वाले बर्तन में। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए इसमें हम लोग जो कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये थर्मोसेट, थर्मोसेट का तो काम जानते ही हैं कि ये बायमेटालिक स्ट्रिप होता है, यानी इसमें ये जो है दो धातुओं से मिलकर के बना होगा। इसमें टेम्परेचर सामान से जैसे अधिक होगा ये बायमेटालिक स्ट्रिप क्या हो जाएगा, ये अपने कांटेक्ट को तोड़ देगा, यानी ओपन कर देगा। अब देखिए इसमें दो पाइप जो बताए थे, एक इनलेट और दूसरा आउटलेट, यानी एक तरफ से हमको ठंडा पानी मिलेगा डायरेक्ट। हम क्या करते हैं, पानी के जल से सॉरी पानी के नल से डायरेक्ट हम इसको कनेक्ट करते हैं। एक तरफ हमको ठंडा पानी मिल गया और दूसरे तरफ से हमको गर्म पानी मिला। ये जो देख रहे हैं ये हीटिंग एलिमेंट है, जो ये क्लोज देख रहे हैं, ये क्लोज टाइप का, इसमें हम हीटिंग एलिमेंट लेते हैं। क्लियर हो गए? अब देखिए दोनों बर्तन के बीच में हम ग्लास वूल को रखते हैं। साथ ही साथ ये देखिए ये वेंट प्लग है और ये फ्यूजेबल प्लग है, फ्यूजेबल प्लग, फ्यूज होने वाला प्लग। अब ये कार्य कैसे करता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यू आकृति का एक निकास पाइप लगाते हैं। देखिए यू आकृति का लगा, क्यों? ताकि इसमें क्या हो, थोड़ा जल बचा रहे और हम ऑन करने में, गीजर को ऑन करने में क्या हो, आसानी हो। साथ ही साथ ये खराब भी ना हो गीजर, ठीक है, ताकि हमको क्या हो, ये ऑन करने में आसान हो और वो खराब होने से बच सके गीजर। अब देखिए एक तरफ हमको ठंडा पानी आया इसमें,
दूसरे तरफ ये क्या करेगा, हीटिंग एलिमेंट उसको गर्म करके बाहर करेगा, तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ ठंडा पानी गया और दूसरे तरफ से वापस जो है ना हमको गर्म पानी मिला, इसके बीच में तो जाहिर सी बात है वाष्प बनेगा। उस वाष्प को हम लोग ये फ्यूजिबल प्लग से बाहर निकालते हैं, और जब बहुत ज्यादा अधिक प्रेशर अगर इसमें बन जाता है, इसके अंदर अगर बहुत ज्यादा पानी का प्रेशर बन जाए, तब उस समय ये फ्यूजेबल प्लग क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। साथ ही साथ है जब ये फ्यूज होगा तो हमको ये ब्लास्ट करने से क्या होगा, ये गीजर ब्लास्ट होने से हमको बच जाएगा या खराब होने से भी हमको रक्षा पहुंचाएगा। अब देखिए, साथ ही साथ आप ये भी समझिए कि हम तो ये इंस्टेंट गीजर का के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये इंस्टेंट गीजर में जो है ये थर्मोसेट का हम लोग सेटिंग कितना रखते हैं, यानी 32 डिग्री से 88 डिग्री के बीच में रहता है सेटिंग। और थर्मोसेट का काम तो आपको पता ही है कि इसमें जैसे ही वाटर का लेवल फ्लो भर जाएगा, उसका जितना कैपेसिटी है उस कैपेसिटी तक इसका लेयर जैसे ही पहुंचा, ये ऑटोमेटिक थर्मोसेट क्या करेगा, या इस टेम्परेचर के बीच में रखते हैं वो ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, ओपन कर देगा। यानी इतने तक लेयर तक का ही तो ये पानी को गर्म करेगा, फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। फिर जैसे लेयर कम हुआ पानी का लेयर, फिर वो थर्मोसेट क्या होगा, ऑन हो जाएगा। थर्मोसेट का यही काम है, स्विच के भांति ऑन ऑफ। साथ ही साथ हम ये जो गीजर जो हम जनरली उपयोग करते हैं, ये 25 से 100 लीटर का बना होता है, कैपेसिटी इसका जो होगा 25 से 100 लीटर। और अगर इसका पावर की बात देखी जाए तो 1 किलोवाट से लेकर के 3 किलोवाट का बना होता है। क्लियर है? तो यही आपका मेन इंस्टेंट गीजर का कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग। आपको विशेष कुछ नहीं जानना है, देखिए इसका कंस्ट्रक्शन को फिगर आप ड्रॉ करने के लिए जान जाइए, इसमें कहाँ कहाँ क्या होता है उसको थोड़ा बहुत याद कर लीजिए। इसका ये टेम्परेचर को आप जानिए, आप इसमें जानिए कि एक तरफ से क्या हुआ, ठंडा पानी आएगा, दूसरे तरफ से हमको क्या मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा। थर्मोसेट का वही काम है कि उसको टेम्परेचर जैसे ही उसके लेवल से ज्यादा बढ़ा, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक सर्किट को ओपन कर देगा। क्योंकि यहाँ पे लेयर क्या होगा, पानी का लेयर एक जो स्पेसिफिक लेयर से जैसे ही ज्यादा होगा, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको ऑफ कर देगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे आप ठंडा पानी ले रहे हैं और दूसरी तरफ गर्म हो रहा है, तो उसके अंदर वाष्प बनेगा, तो वो वाष्प जो कहीं ना कहीं निकलना चाहिए बाहर ना, अगर ज्यादा इसमें वाष्प बनेगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस ब्लास्ट को बचाने के लिए हम फ्यूजेबल प्लग का उपयोग करते हैं, कि बहुत ज्यादा अगर प्रेशर बन गया है तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, फ्यूजेबल प्लग से निकल जाएगा। ठीक है, यू शेप का रखने का रीजन इसमें क्या है कि हम फिर ऑन करें तो ऑन करने में, गीजर को ऑन करने में हमको क्या हो, आसानी हो, और साथ ही साथ क्या हो, वो क्या करे, गीजर को खराब होने से भी बचाता है, इसलिए थोड़ा बहुत उसके अंदर पानी रह जाए रहे, इसलिए यू शेप का रखते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।